प्रभात सभी को, आप सब कैसे हैं। मैं आज आपसे ऑनलाइन स्पोर्ट्स डे के अवसर पर स्पोर्ट्स एक्टिविटी से संबंधित जानकारी देना चाहता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय COVID-19 जैसी वैश्विक महामारी फैली हुई है। इस वजह से लगभग पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है, जिसके वजह से सभी अपने घरों में बंद हैं, जिसकी वजह से हम खेल मैदान अथवा जिम आदि में भी नहीं जा पा रहे हैं। अतः घर पर रहकर ही हम अपने शारीरिक व मानसिक तनाव को दूर करने के लिए, अपने आप को स्वस्थ बनाए रखने के लिए कुछ शारीरिक व्यायाम, योगा घर पर ही कर सकते हैं, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी तथा इस बीमारी के संपर्क में आने से भी हम बच सकेंगे। अतः इस उपलक्ष्य में भारत सरकार ने ऑनलाइन राष्ट्रीय खेलकूद दिवस का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। ये खेल दिवस मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अतः इस संबंध में मैं मेजर ध्यानचंद जी के जीवन के बारे में संक्षिप्त में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। यदि एक ऐसे व्यक्ति का नाम पूछा जाए जिसने हॉकी खेल में अपने करिश्मा प्रदर्शन से पूरी दुनिया को अचंभित खेलों के इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षर में अंकित करवा रखा है और जिसने अपना नाम अंकित करवा लिया है, तो केवल एक ही नाम सबके सामने आएगा और वो नाम है मेजर ध्यानचंद। हॉकी के मैदान पर जब वो खेलने उतरते थे, तब एक ऐसा मायावी इंद्रजाल बुनते थे कि विरोधी टीम की हार सुनिश्चित लगने लगती थी। उनके बारे में ये कहा जाता है कि वे किसी भी कोण से गोल कर सकते हैं। यही कारण है कि सेंटर फॉरवर्ड के रूप में उनकी तेजी और ज़बरदस्त फुर्ती को देखते हुए उनके जीवनकाल में ही उन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाने लगा। हॉकी के ऐसे प्रतिभाशाली खिलाड़ी ध्यानचंद का जन्म 29 अगस्त 1905 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ है। उनके पिता सोमेश्वर दत्त सिंह मूल रूप से पंजाब के निवासी थे और उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार के पद पर इलाहाबाद में तैनात थे। कुछ दिनों बाद उनका स्थानांतरण झांसी में हो गया, इसलिए ध्यानचंद भी अपने पिता के साथ वहीं रहने चले आए। इनकी प्रारंभिक शिक्षा भी झांसी में ही हुई थी। अपने पिता के स्थानांतरणों से पढ़ाई के बाधित होने और हॉकी के प्रति अपनी दीवानगी के कारण वे केवल 6ठी कक्षा तक ही पढ़ाई कर सके। उनके बचपन का नाम ध्यान सिंह था। वे बचपन में अपने मित्रों के साथ पेड़ की डाली से स्टिक और बेकार पड़े कपड़ों की गेंद बनाकर हॉकी खेला करते थे। एक बार की बात है, वे अपने पिता के साथ एक हॉकी मैच देख रहे थे। इसमें एक पक्ष के खिलाफ विरोधी पक्ष ने लगातार कई गोल किए। कमज़ोर पक्ष की स्थिति को देखकर ध्यानचंद ने अपने पिता से कहा कि यदि वह इस पक्ष की ओर से खेले तो परिणाम कुछ अलग ही होगा। वहीं पास में खड़ा आर्मी का एक ऑफिसर उनकी बात को सुन रहा था। उसने ध्यानचंद को कमज़ोर पक्ष की ओर से खेलने का एक मौका दिया। थोड़ी देर बाद विरोधी टीम के खिलाफ लगातार 4 गोल कर उन्होंने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया। उस समय उनकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। उनकी प्रतिभा से प्रभावित होकर कुछ समय बाद आर्मी के उस ऑफिसर ने उन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में इंडियन आर्मी में भर्ती कर लिया। इसके बाद हॉकी से उनका साथ किसी न किसी रूप में जीवन पर्यंत रहा। आर्मी में शामिल होने के बाद उनके ब्राह्मण रेजिमेंट के कोच भोले तिवारी इनके पहले कोच बने। कहा जाता है कि आर्मी में सिपाही के तौर पर कार्य करने के कारण उनके पास हॉकी खेलने के लिए वक्त नहीं होता था, इसलिए रात को जब उनके सभी साथी बैरक में सो जाते थे तब ध्यानचंद चांद की रोशनी में हॉकी खेल की प्रैक्टिस किया करते थे। इससे हॉकी के प्रति उनकी दीवानगी का पता चलता है। आर्मी में शामिल होने के साथ ही उनके हॉकी खिलाड़ी के रूप में कैरियर की शुरुआत तब हुई जब 21 वर्ष की आयु में वर्ष 1926 में उन्हें न्यूजीलैंड जाने वाली
भारतीय टीम में चुन लिया गया। इस दौरे में भारतीय सेना की टीम ने 21 में से 18 मैच जीते। 23 वर्ष की उम्र में ध्यानचंद वर्ष 1928 के एम्सटाइन ओलंपिक में पहली बार भाग ले रही भारतीय टीम के सदस्य चुने गए। यहाँ चार मैचों की भारतीय टीम ने इस सीरीज में 23 गोल किए और अंत में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाब रही। वर्ष 1932 में लॉस एंजिल्स ओलंपिक में भारत ने अमेरिका को 24-1 के रिकॉर्ड अंतर से हराया। इस समय मैच में ध्यानचंद एवं उनके बड़े भाई रूप सिंह ने 8-8 गोल किए थे। इस ओलंपिक में भी भारतीय टीम को स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ। वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में ध्यानचंद भारतीय हॉकी ओलंपिक टीम के कप्तान थे। 15 अगस्त 1936 को हुए फाइनल मैच में भारत ने जर्मनी को 8-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। इस मैच को जर्मनी का तत्कालीन तानाशाह हिटलर भी देख रहा था। कहा जाता है कि मैच समाप्त होने के बाद स्वयं उसने ध्यानचंद से मुलाकात कर उनके खेल की तारीफ की। इतना ही नहीं, विश्व के महान क्रिकेटर डॉन ब्रैडमैन को भी ध्यानचंद ने अपना कायल बना दिया था। वर्ष 1932 में भारतीय हॉकी टीम ने वर्ष भर में कुल 37 मैच खेलकर 338 गोल बनाए थे और इनमें से 133 गोल ध्यानचंद ने किए थे। उनके भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहते हुए टीम ने विभिन्न ओलंपिक खेलों में कुल 28 गोल किए थे। इनमें से 11 गोल ध्यानचंद के नाम दर्ज हैं। इस प्रकार मेजर ध्यानचंद जी का जादू पूरे भारतवर्ष में चारों तरफ फैल रहा था और उनकी खेल की चारों तरफ प्रशंसा की जाने लगी थी। उनका खेल दिनों दिन लगातार बढ़ता ही जा रहा था। ओलंपिक और उसके क्वालिफाई मैचों में 101 गोल करने और अन्य इंटरनेशनल मैचों में 300 गोल करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के खाते में है। उन्हीं के करिश्माई खेल का ही नतीजा था कि हॉलैंड में एक मैच के दौरान उनकी स्टिक को तोड़कर देखा गया कि कहीं उसमें चुंबक तो नहीं लगी है। इस प्रकार बार बार उनकी हॉकी स्टिक पर संदेह जताया जाता था। कई बार उनको कोशिश की गई कि उनकी हॉकी स्टिक को तोड़कर देखा जाए कहीं इसमें चुंबक तो नहीं है, लेकिन जब उन्होंने हॉकी स्टिक को तोड़ा तो उसमें कुछ नहीं मिला, सिर्फ उनका खेल ही था जिसके दम पर वह पूरे दुनिया में छाए जा रहे थे। इसी प्रकार जापान में उनकी हॉकी स्टिक का यह सच जानने के लिए परीक्षण किया गया था कि कहीं उसमें गोंद का प्रयोग तो नहीं हुआ है। उनके प्रदर्शन के दम पर ही भारतीय हॉकी टीम ने 3 बार वर्ष 1928 के एम्सटाइन ओलंपिक, वर्ष 1932 के लॉस एंजिल्स ओलंपिक एवं वर्ष 1936 के बर्लिन ओलंपिक में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। ये भारतीय हॉकी को उनका सबसे बड़ा योगदान है। ध्यानचंद ने अपना अंतिम मैच वर्ष 1948 में खेला था तथा उसी वर्ष उन्होंने खेल जीवन से संन्यास ले लिया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मैचों में कुल 400 से अधिक गोल किए। ध्यानचंद को वर्ष 1938 में वायसराय का कमीशन मिला और वे जमादार बने। इसके बाद वे पदोन्नति पाते हुए क्रमशः सूबेदार, लेफ्टिनेंट और कैप्टन बनते चले। अंततः उन्हें मेजर बना दिया गया। उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें विभिन्न पुरस्कारों एवं सम्मानों से विभूषित किया गया। वर्ष 1956 में 51 वर्ष की उम्र में जब वे भारतीय सेना के मेजर पद से सेवानिवृत्त हुए तो उसी वर्ष भारत सरकार ने उन्हें पद्मभूषण से अलंकृत किया। उनके जन्मदिवस 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाने की घोषणा हुई। ये मेजर ध्यानचंद के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि थी और ये उनके लिए बहुत ही गौरव की बात थी। खेलों से संबंधित अर्जुन पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड और गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड हर वर्ष इसी दिन प्रदान किए जाते हैं। उनकी सम्मानित करने के लिए वियना के एक स्पोर्ट्स क्लब में उनकी एक मूर्ति लगाई गई है।
जिसमें उनको चार हाथों में चार स्टिक पकड़े हुए दिखाया गया है। ये मेजर ध्यानचंद के लिए बहुत गौरव की बात है। और मेजर ध्यानचंद जी के लिए इससे बड़ी गौरव की बात क्या हो सकती है कि उनके जन्मदिवस के अवसर पर खेल से जुड़े इतने बड़े बड़े जो पुरस्कार हमारे देश में आयोजित किए जाते हैं, वो सारे पुरस्कार उनके जन्मदिवस के अवसर पर दिए जाते हैं। नई दिल्ली में एक स्टेडियम का नाम उनके नाम पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम रखा गया है, एवं भारतीय ओलंपिक संघ ने उन्हें शताब्दी का खिलाड़ी घोषित किया है। वर्ष 1989 में जब ध्यानचंद जी बीमार हुए तो उन्हें दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में भर्ती करवाया गया। उन्हें बचाने के सारे प्रयास विफल रहे और 3 दिसंबर 1989 को उनका देहांत हो गया। झांसी में उनका अंतिम संस्कार किसी घाट पर न कर उस मैदान पर किया गया जहां पर वो हॉकी खेला करते थे। अपने जीवन काल में अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल करने के बाद भी इस महान व्यक्तित्व ने अपनी आत्मकथा गोल में लिखा है, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं बहुत साधारण आदमी हूँ। हॉकी ही नहीं, खेलों के इतिहास में भी ध्यानचंद का नाम हमेशा अमर रहेगा। और आज जब हमारे देश में खेलों का इतिहास खंगाला जाता है तो सबसे पहला नाम मेजर ध्यानचंद जी का ही आता है, जिन्होंने इस भारत देश को बहुत बड़ी उपलब्धियाँ प्रदान की है। मेजर ध्यानचंद जी ने हमारे देश को बहुत गौरवान्वित होने के मौके प्रदान किए। उनके लिए इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती कि उनके सम्मान में पूरे भारतवर्ष में 29 अगस्त को उनके जन्मदिन के अवसर पर स्पोर्ट्स डे का आयोजन किया जाता है और ये खेल दिवस के रूप में हमेशा के लिए हमेशा उनकी यादगार बन के रह गया। धन्यवाद।